आगे आ जाओ थोड़ा सा हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना हमारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, जब तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी, आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ ना जाए ये शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह इंतजार की। अभी आगे अगली लाइन, ओ मेरे सजना लो मैं आ गई, लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा, दिल यही मांगे दुआ हम कभी हो ना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा, ये मेरी जिंदगी है तेरी, तू मेरा सपना मैं तुझे पा गई, ओ मेरे सजना लो मैं आ गई, गम के अंधेरे डले बुझते सितारे जले, देखा जो तुझे तो दिलों में जा आई,
होंठों पे तराने जगे अरमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई छा गई फिर वही बेखुदी ला 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 अच्छा एक और कोई ही नगमा आंखें देख ले उसकी आंखें देख तुझे जलसी हो जाएगी कोई ही नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने ये तू आई कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई लिख जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जहां तू है वहां मैं हूँ मेरे दिल की तू धड़कन है मुसाफिर मैं तू मंजिल है मैं प्यासा हूँ तू सावन है मेरी दुनिया ये नजरें हैं मेरी ये लाइव में सुना देना भी इनकी बारी भी आती है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए आज शादी भी सिखाते हैं वाह जी वाह चलो जी आज सारों को मौका दिया जाए दे दो सबको आप हमारे शादी को भी कैप्चर करो जी सारों को फोटोग्राफर तो फिर खड़े हो गए सारा अच्छा शुरू करो ये कहा 9 मिनट के आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों में जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते तू बदन है मैं हूँ छाया तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ तू बदन है मैं हूँ छाया तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते मेरी सांस सांस महके कोई भीना चंदन तेरा प्यार चांदनी है मेरा दिल है जैसे आंगन मेरी सांस सांस महके कोई भीना चंदन तेरा प्यार चांदनी है मेरा दिल है जैसे आंगन
हुई और भी मुलायम, ये शाम ढलते ढलते हो हुई और भी मुलायम, ये शाम ढलते ढलते ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। अमार शाह जी, आप गिटार बजाते हैं? जो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा गाते हैं या गिटार बजाते हैं? मैं दो लाइंस गुनगुना देता हूँ। जी सुना दें आप। अमार शाह जी, हाँ भी कमल से केक भी पकड़ दे, जो जो रह गया। और कोई केक वाला पीछे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवा मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बस दुआएं चाहिए मुझे। ये भी बहुत मेहरबान। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसीं, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था, एक दफा दोबारा से करता। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसीं, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीं। मैंने सोचा न था। थैंक यू सर। नूर को देंगी, वो भी गाएगी और फिर ये भी गाएगी। ला मैं इसको पकड़ता हूँ। ये क्या टेलीकास्ट कर रहे हो? सीधा इधर से उधर से। मुझे फतवे ना बस लग जाएंगे, गाने गा रही है। लेकिन आपने सर जान भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना, जान भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना। चेहरा तुम्हारा देख के पागल सी हो गई सनम, तुझसे तुझी को छीन के खुद से भी खो गई सनम। आँखों में एक तू है या मेरी बंदगी है, जान भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना।
दे दूं तू ही दे दूं। मनाहिल अपना दोबारा पड़ेगी, दोबारा गा चुके। मनाहिल का हक बनता है, मनाहिल नहीं लाई भाई सबसे पहले इसमें। फोन पे कौन है? वो फोन पे एक मैसेज आया हुआ है, वो मैं आप बता दो कौन सा सॉन्ग है। तू से नैना लागे लग गए। वो फवाद शाह जी का मैसेज था, कोई कह रहा था वो सुनवा दो मुझे, वो कह रहे फवाद 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 बुखारी जाने खुश है। अब तूने मास्क नीचे किया तो मैं पहचान लिया तुझे हैं। नारायक चल जा जी, क्या दूं तुझे मैं, ये ले जा। मैं ये ले पक। चल काकी को जगह दे दो। जी 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 सही, रास्ता छोड़ो भी, जिन्होंने जाना है उन्हें रास्ता छोड़ो। फवाद शाह जी का हाँ, उसके साथ माइक से जोड़ दो आवाज़, इसके साथ कर दो, ये जो इसके साथ हो जाएगा। आवाज़ ऊंची हो सकती है। शुरू से आपसे कम हूँ, आप सब बहुत प्यारे हो, जबरदस्ती मुझे प्यारा बनाई जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से इतनी ज़्यादा मसरूफियत में रहा कि मुलाकात ही ना हो सकी। आज ही बहुत दिल था और उसी हवाले से थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया निकलते निकलते, मगर इधर पहुंचने तक जब मैं घर पहुंचा तो वालदा की टांग में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो उनकी मेडिकेशन और वो टांग और उसकी सूरत हाल ऐसी अभी है कि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ के आ सकता। घर में और कोई नहीं अभी, तो फिर मैं उनके पास हूँ ना, मेरी एक सादतमंद मजबूरी कह ले वो है। तो मैंने तो आज का सेशन का स्टार्ट ही यहाँ से किया था, तो वहाँ से आगे कुछ नहीं है, वही मुर्शिद है वही सब। लेकिन मैं उधर शामिल होना चाहता था। आप तो शामिल हैं, आप मेरी ऑडियो डॉक्टर साहब तक पहुँचा दीजिएगा। आज
मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि अंदाज़ा क्यों याद आया कि उनकी जो है योम पैदाइश है 5 दिसंबर को, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत जन्मदिन की जो है मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं उन तक पहुंचाइएगा। कोई दो ही पिलॉफ शख्सियत हैं, बड़ा अच्छा मेरा उनका साथ है और मैं इस मौके को रोएकार लाते हुए कुछ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे 2013 की अवाइल की बात है, जब मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर जहाँ पर कुछ बुनियादी सवालात वजूदियत बाबत, सोच बाबत, खैर शर और मावराए फितरत वजूदियत से मुतालिक बातचीत होती थी मुख्तलिफ फोरम्स पे, जहाँ पर कहीं कई ऐसे थे जो तशकीक वाले मुशक्क यानी एग्नोस्टिक्स इल्हाद पे यकीन रखने वाले एथियस्ट और एग्नोस्टिक यानी कि जो अपने फैसले को मौखर करते हैं जब तक कि उनके पास यकीन रखते हैं कि फलाह वजूद मौजूद नहीं है। ऐसा कुछ मुसलमान जो कि थियस्ट कहलाते हैं, यानी कि यकीन रखने वाले कि ये है, तो इस तरह मुख्तलिफ फोरम्स पर होते थे जहाँ पर हर तरह के रंग के लोग मौजूद होते थे, एग्नोस्टिक्स में यानी मुशक्कीन में, मुल्हिदीन में और मजहबी लोगों में, कि वो से ले के नरम खू तक तमाम लोग उधर पाए जाते, कुछ सिर्फ शर पसंदी के पहलू में होते थे और कुछ सिर्फ जो है वो बर्दाश्त उसके अंदर होते थे। तो वहीं पर मुख्तलिफ गुफ्तगू वगैरह मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ इन्हीं ग्रोहान के मबैन चल रही होती थी, तो वहीं पर डॉक्टर साहब से जो है एक कैलेम आमना सामना हुआ। उन्होंने भी मुझे वहीं पर बोलते देखा सुना और उस वक्त से डॉक्टर साहब ये मेरे लिए खुशी और एजाज की बात है कि उनकी मोहब्बत मुझे मुयसर आई और वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि जब से उन्होंने मुझे गुफ्तगू करते देखा है उनको ये यकीन है कि कोई साथ बनना है और उन्होंने काम पाना है। इस तरह गुफ्तगू करते फॉर्म्स बनते थे, बिगड़ते थे, बंद होते थे, करते करते कुछ मेरी अपनी ज़िंदगी की रियाजत और मुजाहिदा चल पड़ा। 2015 के अवाइल में बहुत ही शदीद तरीन मुजाहिदे से मैं गुजर रहा था कि जब इनका रब्ता हुआ, उन्होंने दुआ के बारे में बात की, मैंने भी मुतजस्स होकर मुख्तलिफ सवाल किए, तो इन्होंने उसके जवाब दिए। लेकिन एक दिलचस्प बात इनकी पेडोसियत की मैं आपको अर्ज करता चलूं, वो ये थी कोई कि इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ घूमूंगा अगर आप ये दुआ करेंगे, इस तरह नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत अजीज हैं, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुकम्मल बेलौसियत के साथ इन्होंने अपना नुक्ता बयान किया और ये बेलौसियत दिल में जगह कर गई। तो खुद चूंकि मैं इनके फॉरम्स पे देखता था इनके बयान, तो एक दिन मैंने खुद पूछा कि मुझे जरा बताइए तफसील से, तो इन्होंने दुआ की बात की। यानी कि जब तक मेरे तजस्सुस से उभर के नहीं आया तो इन्होंने मेरे साथ उससे इंडिपेंडेंट खड़े रहे। इनके दिल में पता था कि ये बात होनी, लेकिन इन्होंने अपना जो खलूस है सिर्फ उसकी प्रोपगेशन की। तो मैंने जब इसके बैकग्राउंड में गया तो उस वक्त किला बुखारी साहब से मुतल्लिक कुछ तहरीर इन्होंने शेयर की जो मुझ तक पहुंची थी, मैंने भी उसको पढ़ा और हमेशा की तरह मैं फिर ये बताता चलूं, अगर ये बिल्कुल सी बात कोई और भी सुने, कई लोग मुझे कहते कि आप बुखारी साहब क्यों कहते हैं, बाबा जी क्यों नहीं कहते, तो कईयों को मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर जैसे बात कदम के तौर पे बता देता हूँ कि मेरी रियाजत कसीरुल जहती थी और उसमें एक जहत की रियाजत मेरे पे ये थी कि अपने लफ्ज़ों को निभाना, और लफ्ज़ों को निभाना बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पे ये उस वक्त निभाने पड़ जाते हैं जब लफ्ज़ लौट के आते हैं, और जब लफ्ज़ लौट के जब आए तो ये यकीन रखिए कि आप उनको निभा नहीं पाएंगे या निभा नहीं पाते, बड़ा सख्त मरहला होता है। तो दावों से
और दावे कितने लतीफ तौर पे बारीक भी हो सकते हैं, उसका एक पहलू यह है कि आप कहें कि वो तो मेरा फलाह है, मगर वक्त के निभाने पर दरून ज़ात में भी आप अपनी जुज़ियात, अपनी ज़ात के टुकड़ों को इस तरह तरतीब नहीं दे पाते कि उस लफ्ज़ के बराबर सिर्फ अंदर ही खड़े हो जाएं। तो उस दिन आपकी ज़ात बड़े सख्त तरीके से टूटती है और आपको पता चलता है कि दावा करना बहुत मुश्किल है, किस लफ्ज़ देना तायुन में ये लफ्ज़ देना कि वो फलाह है, बहुत बड़ी रियासत और बहुत बड़ा मुकाम होता है। मैं क्योंकि अपने आप को उस मुकाम पे नहीं समझता, इसलिए मैं इतना बड़ा लफ्ज़ कहते हुए मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैं बुखारी साहब कह देता होता हूँ। तो मैं बुखारी साहब की जो ज़िंदगी के ऊपर बात की, वो जो उनकी ज़िंदगी का खासा था जब वो मेरे पे खुला कि कैसे एक शख्स अपने दरून ज़ात की रियासत और उसकी सख्ती में खुद भी लड़ रहा है और कई मजलूमों को उस फाइट में खड़ा कर रहा है, तो वो चीज़ मेरे दिल में घर कर गई। तो मैंने कहा कि गो के एक पहलू तो ये है ना कि ये होगा तो इसके बदले में मेरे साथ ये हो जाएगा, लेकिन उनका ये जज्बा बुखारी साहब का इस तरह दिल में घर कर गया कि मेरे दिल ने ये कह डाला कि अगर बिलफर्ज मुझे इस दुआ की वजह से वो ना भी मिला जो इसके हवाले से कहा जा रहा है, तो जो इन्होंने बिलौस मोहब्बत दिखाई बुखारी साहब ने, उसकी सुन्नत की अदायगी में मैं ये दुआ करता रहूँगा। लेकिन उसके अपने फवायद भी हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं अपने अपनी दिल की फीलिंग बता रहा हूँ कि मैं इस हद तक वो खलूस उसको नहीं फर्क पड़ता। और बस उसके बाद तो एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन बताना ये था कि खलूस की कहानी और खलूस से इनका मेरा रब्ता हुआ, उसी पे मेरे साथ बना और उसमें बुखारी साहब के खलूस की दास्तान मुझ तक पहुँची और जिसने मुझे उनके उसके खलूस की सुन्नत पे खड़ा करने की तरफ एक तरगीब दी और वो आज तक कायम है। तो आज के इस मुतबर्रक दिन में जब इनकी पैदाइश की शमसी साल की एक और जो है उतनी ही करवट हमारे सामने आ रही, तो उस मौके पर इनको बहुत मुबारकबाद, उनके चाहने वालों को बहुत मुबारकबाद, और बराए मेहरबानी मेरा पैगाम ये आप डॉक्टर साहब तक पहुंचा दीजिएगा, उनको सुनवा दीजिएगा कि मैं आने लगा था, लेट भी हुआ लेकिन मैं पहुंचना चाह रहा था, घर पहुंचा हूँ तो ये सूरत हाल है। उनके वालदा की टांग में बहुत दर्द है और उनके चलने में और बैठने में तकलीफ हो रही है, मैं उनको दवा दी है कुछ और दवा दारू के सारे इंतजाम करने के बाद, लेकिन उनको मैं अकेला छोड़ने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो लेकिन मैं अपनी उधर मौजूदगी में कुछ बात करना चाहता था, इजहार करना चाहता, ये ऑडियो पहुँचा दूँ तो आप उन तक मेरा ये इजहार पहुँचा दीजिए, गो कि मैं उनको भी डायरेक्ट ऑडियो कर सकता था, लेकिन जो पैगाम के अजमाल की एक जहत मेरे जहन में ये आई, उसमें आपके लिए ये पैगाम भेजा है तो वो उन तक पहुँचे, तो उनके दिल तक भी अजमाल की ये जो लतीफ़ जहत है वो पहुँच जाए। तो डॉक्टर साहब सदा खुश रहें, बहुत मुबारकबाद, और आपके प्यारों को बहुत मुबारकबाद, सदा खुश रहें। शाह जी आप सुन ही रहे होंगे, आप भी सैयद हैं और सैयदा सैयदजादी डॉक्टर सबा के हाथ आपने मैसेज भेज दिया और बड़े लोग हैं आप लोग, अल्लाह ने आप लोगों को इज़्ज़तों से नवाजा है। सैयद जिनके बारे में कहा गया है कि जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, जिन्हें खुदा ने बुलंद कर दिया वही बुलंद रहेंगे और जिन्हें खुदा ने नीचे रखा वो नीचे ही रहेंगे, इसी में उनकी इज़्ज़त है। तो आपकी यही बातों से आज मैंने एक और चीज़ दोबारा खुल के मुझे वाजे हुई, जो आपने बात कही कि आप बुखारी साहब कहते हैं बाबा जी नहीं कहते, तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि बाबा कहना आसान है और निभाना बहुत मुश्किल है, और लफ्ज़ बोल देने आसान हैं और जब ये लौट के आते हैं तो इन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत खूबसूरत आपने सबक, या आपका तो ये तजर्बा है और आपकी ये हड बीती है, तो हम जैसे इसी तरह ये मोती चुन लेते हैं कहीं ना कहीं से और फिर कहीं ना कहीं बोल के वाह वाह समेट लेते हैं, आप लोग तो लुटाने वाले हैं।
एक और सैयद है मेरे साथ, सैयद शहबाज अली शाह साहब, तो वो कहते होते हैं आज वही बात आपने फिर आपने बात की और खूबसूरत बात की तो मुझे उनकी बात याद आ गई। वो अमूमन कहते होते हैं कि बड़ों के अंडे भी बड़े होते हैं और उनके झंडे भी बड़े होते हैं और उनके डंडे भी बड़े होते हैं। तो आप बड़े हैं और बड़ों के घर से हैं और अल्लाह ने आप लोगों को बड़ाई से नवाजा है, उम्मत को आप लोगों की बड़ाई और इज्जत करने की रब तौफीक दे। ये भी रब की तौफीक से हो सकता है, हम हैं ही गुनाहगार हैं और सरकार दो आलम को अल्लाह ने ये ज़र्फ अता किया कि उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों की पैदाइश से भी पहले, जब हमारे माँ बाप भी हमें नहीं जानते थे, हमारे लिए दुआएं की और गिड़गड़ा गिड़गड़ा के की और उसमें शिमर जैसे बदबख्त से लेके मेरे जैसे गुनाहगार तक के लिए की उन्होंने। मैं बहुत बचपन में सातवीं क्लास में, मैंने पहले भी एक बार कहा था, प्रोफेसर फारूक साहब मेरे टीचर थे सेंट मॉल स्कूल में, सेंट मॉल हाई स्कूल में, तबलीगी जमात में थे, तो उस वक़्त ये सूरह नसर का तर्जुमा जब उन्होंने पढ़ाया, मैं हिस्ट्री वाइज भी जो वो बता रहे थे कि फतह मक्का हुई और ऐसे हुई, तो हम बड़े खुश थे जो पीछे इस्लामियात में पढ़ते आए थे हिस्ट्री में, पहले स्टार्ट में बेसत का वाकया, सरकारे दो आलम की सीरत के वाकया, उनकी बचपन, मुश्किल बचपन, यतीमी, और बचपन से ये एहसास दिल को लगता था। उस वक्त मैं हार्डली आई थिंक 12 साल का था, मेरे वालिद तो तब थे, तो ये सोच के रूह कांपती थी उस वक्त भी कि यार वो 6 ईयर्स के थे और बाबा भी नहीं थे और मामा भी नहीं थी, तो अपने तौर पर ये सोचते थे, और दादा वो भी 8 ईयर्स में चले गए तो फिर उन्हें कौन प्यार करता था, और सैयदना अबू तालिब का नाम तब हमने सुना, तो ये सारी स्टोरी सुनी हुई थी, गारे हिरा, बीबी खदीजा, फिर आमुल फील, शोबे अबी तालब का वाक़या, फिर गज़वाए बदर जैसी कसम परसी और खुदा की मदद, गज़वाए उहद में दांत शहीद करवा के भी दुआ देना, गज़वाए खंदक, ये सारा सुन लिया था। तो आखिरकार जब फतह मक्का था, वो ऐसी था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया, जो आज के लोगों को, बच्चों के, यानी एक बच्चे के लिए, कि आखिरकार मेरे नबी सरकार की फतह हो गई। लेकिन जब उन्होंने उसमें आयात का तर्जमा किया तो आखिर में, मुझे आज तक याद है कि जब वो अल्लाह ने कहा कि तुमने देख लिया कि लोग जूक, अल्लाह की मदद आ गई, फतह हासिल हो गई, लोग जूक दर जूक, फौज दर फौज, जैसे सरकार की चाहत थी, जैसे उनका था कि सारी उम्मत, मेरी उम्मत सबसे बड़ी हो, और असल में वो कहते थे कि सारी इंसानियत, सारी मखलूक, तो जूक दर जूक ये दाखिल हो रहे हैं, तो अब अपने रब की बड़ाई बयान तो कर, लेकिन तौबा करता रहा। ये तौबा पे मेरा फड़ा हो गया टीचर से, मैं उठ के उनसे सवाल करना शुरू हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुनाह नहीं किया था। जी बेटा, जी जी जाओ 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 जाओ, इनको टॉफियाँ दें उधर से, ठीक है। तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि ये कुरान की आयत है और यही तर्जमा है, और उन्होंने तौबा करनी थी। वो थोड़ा प्यार से समझा रहे थे, लेकिन मैं अड़ गया, मेरी एक किस्म की लड़ाई हो गई। यानी आप ये समझ सकते हैं कि वो 11-12 साल का बच्चा जो है वो टीचर से ये प्रोटेस्ट कर रहा था कि मतलब ये इस ऑर्डर को बदला जाए, या ये हो नहीं सकता, या आप तर्जुमा गलत करें, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अल्लाह नबी पाक को कह दे कि आप तौबा करें। मतलब वो किस चीज़ की तौबा, हमारे ही तो कॉन्सेप्ट अपना तो यही होता था बचपन से, जो समझाया गया था कि गुनाह हो जाए तौबा करो, गुनाहगार ने माफ़ी मांगनी है, सॉरी करनी है। तो मेरी एक किस्म की लड़ाई हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की तौबा करें। मेरी जितनी समझ थी वो प्यार से मुझे समझाते रहे, फिर उन्होंने स्नब भी कर दिया, डांट भी दिया और बैठा दिया कि ये कुरान की आयत है, यह सही है, अल्लाह का नबी। उन्होंने तौहीद बयान करना शुरू कर दी कि अल्लाह की मर्ज़ी है, उसने अपने नबी को कहा, जब नबी को एतराज़ नहीं तू कौन होता है। लेकिन मैं वो बच्चा था, लेकिन जब मैंने बाद के वाक़यात पढ़े आज तक, कल का सियालकोट का वाक़या, आज तक इन सांसों तक का वाक़या, आप सही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह देना आसान है, इसको निभाना बहुत मुश्किल है, और इस पे खड़े रहना, इस पे कायम रहना, और आपके सामने 23 साल भी नहीं गुजरे, और एक यार 30 साल गुजरे, दूसरा यार
और टोटल 50 साल सरकार के पर्दे में वो कोई चले थोड़े गए, और करबला जैसा सानिया, और थ्रू आउट आज तक ये हिस्ट्री ऐसे ही है, इस्लाम कोई दुनिया में हुकूमतें कायम करने थोड़ा आया था। इस्लाम सलामती का नाम था, प्यार, बेगरस प्यार, अल्लाह शदीद प्यार जो मांगता है वो अल्लाह को नीचे आके कहता है कि मुझे चुमियाँ पपियाँ अपियाँ करो। ये मखलूक से प्यार, आपस में ना लड़ो, आपस में एक दूसरे का ख्याल कर लो, एक दूसरे को थोड़ा, चलो किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दो, किसी का ऐप देख लिया तो यार छुपा दो, किसी को गुंजाइश तो दो, गुनाहगार से नफरत करने की बजाय सिर्फ गुनाह से नफरत करो। ये मैसेज सारा था, और वही गुनाह हम खुद कर लेते हैं, और उसके बावजूद जी जी आप जाएं, ये ले जाएं, थैंक यू थैंक यू, इसको भी टॉफ़ी दे, उधर से बिस्किट भी दे, जी इनको देती जाओ। तो साईं निभाना बहुत मुश्किल है, ये आज ही ये सवाल किसी ने कहा हुआ था, हमने तो क्वेश्चन आंसर सेशन करना था, मुझे नहीं पता था इन्होंने इतना लंबा कर लेना। काकी जी ने मुझे सवाल एक भेजा हुआ था, मुझे भी किसी ने भेजा, तो उन्होंने कहा जी, उस बंदे ने कहा कि सर से दोबारा पूछें बाबा क्या होता है। फिर किसी दिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल आएगा मेरे सामने, मैं खुद भी सोचता रहा, और चौदह सौ साल से अगर इस कौम को यही नहीं समझ आई बाबा क्या होता, मेरी क्या औकात, मैं क्या बताऊंगा क्या। ये लफ्जों में नहीं होता, ये करके दिखाने का नाम होता है, और आप जो समझते हैं बाबा वैसे ही होता है, उसे जैसा समझोगे वो तो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। आपको कभी नहीं छोड़ता, आप ही छोड़ते हैं उसको, जब भी छोड़ते हैं वो आपको कभी डिस्कार्ड नहीं करता, वो आपके गन मन से भी प्यार करता है, आपकी गलतियों से भी प्यार करता है, तो मेहरबानी आपने याद रखा, वालदा की खिदमत करें। मेरा ख्याल है आज का ये मैं तो किसी और तरफ ही ले गया, मेरे लिए लफ्ज बोलने भी मुश्किल हैं, कहने भी मुश्किल हैं, फिर भी बोलता रहता हूँ, पागलपन में बोलते जाऊँ बच जाता हूँ। बाबा कहते होते थे ये मेरे पे एक किताब लिखेगा, मैंने एक बार ही लिखा था, छपा था, बाबा से मिलने से 10 साल पहले किसी ने बाबा के सामने तारीफ़ की तो उन्होंने कहा तू क्यों नहीं लिखता, मैंने कहा बाबा जो किताब थी वो आ गई, जब ये छपा जो मैंने लिखा था मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा आराम से बैठ बड़ा मौलवी लिखा कर, सबसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नुक्ते से बात आगे नहीं जा सकी,
ना नुक्ता क्रॉस कर सका हूँ, ना नुक्ते को पा सका हूँ, ना नुक्ते से निकल सका हूँ। आप सब एक खुली किताब है, अपने आप को पढ़ें, अपने आप से प्यार करें। आप सब अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, आप सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे हैं। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, जिस मर्जी मज़हब से हैं, जिस मर्जी मुल्क से हैं, जिस मर्जी रंग नस्ल से हैं, जिस मर्जी हालत में हैं, आप ही अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हालात आपको किसी कमार खाने ले गए हैं, आप किसी शराब खाने के फर्श पे धुत पड़े सिसक रहे हैं, पैसे और ताकत के नशे में झूमते कुछ सेठों के सामने मजबूरन नाच रहे हैं, आपके जिस्म को नोचा घसोटा जा रहा है और साथ गंजरी और गश्ती और पता नहीं क्या कहा जा रहा है, सरकार दो आलम आपके लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह आपका मुंतजर है, अल्लाह आपसे प्यार कर, अल्लाह अपनी रहमतों और रहमानियत समेत आपके सारे गंदमंद समेत आपका मंतजर है। और वो दूर नहीं है, ये इतना सा फासला है, वो आपके अंदर, आप अपनी तरफ से जिन चीखों को दबाए बैठे या बैठी हो, उनसे बेखबर नहीं है। लेकिन जब तक आप अपनी मैं की जिद में हो, अपनी अकल और प्लानिंग, मजलूमियत, मसरूफियत, किसी भी चीज़ के ज़ोम में हो, वो आपको पूरा चांस देगा। आप सरेंडर करें उसके आगे, आप उसके आगे हथियार फेंक दें इस खेल में, ना भी फेंकेंगे वो आपसे दूर नहीं जाएगा, वो इंतज़ार करेगा। कहते ना, हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, आपका इंतज़ार करता है, इंतज़ार कर रहा है। और सरकारे दो आलम को जो उसने तौबा पे लगाया था, वो मेरे जैसों के गुनाहों की तौबा वो मांग रहे हैं, वो तौबा मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था हमने तौबा नहीं करनी, हमने बाज नहीं आना, उन्हें दिखा दिया गया था। अब मुर्दा मुर्गियों से लेके मुर्दा कौमे तक बेच देते हैं, हम अपने मुर्दा ज़मीर की कीमतें बढ़ से चढ़ कर लेते हैं, पूरी पूरी कौम का सौदा कर देते हैं, आने वाली नस्लों का कर देते हैं। और अपनी बार एक दिन का चुभे तो कहते हैं ओ माय गॉड, उसके बावजूद उसकी शान है वो उनको भी माफ कर। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जिसने फिरौन को भी डुबो के मारा था, सरकारे दो आलम कह रहे हैं डूब के मरना भी शहादत है, शहीद की तो हिसाब ही नहीं है, उसकी शान बेनियाजी है। मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, मुझे अपनी फिक्र है। मेरे किसी अमल से मेरे नबी को ना कहना पड़े कि हाँ ये तारके कुरान था, मेरे नबी को ना कहना पड़े यस माय लॉर्ड यू वर राइट एंड यू आर ऑलवेज राइट, ये सारे सोचिए।
कम से कम आप उनमें से ना हो, कम से कम हम उनमें से ना हो। कुछ भी नहीं करना, प्यार करना, बेगरज प्यार, जैसे उन्होंने करके दिखाया है। आप बाबा बन जाएं, बेगरज प्यार का नाम बाबा है, बेगरज प्यार, बेलौसियत, मुर्दा दिलों को जिंदा करना। उन्हें इतना प्यार करें कि वो जिंदा हो जाए। उनकी खामियों को ना देखो, बुरा आपके पास आए उससे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि उसकी बुराइयां धुल जाए तुम्हारे प्यार से, वो आपके प्यार में सब भूल जाए। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप एहसन उम्मत हैं, आप नबी के उम्मती हैं, आप में शराब और हेरोइन जितनी ताकत भी नहीं है। आप में किसी शैतानी हथियार से ज्यादा आपके पास ताकत नहीं है। दावा तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। सोचिएगा, ये फैसला ज़रूर कर लें अपनी अपनी ज़िंदगियों में कि अल्लाह है या नहीं है। सिर्फ कहते ना रहें, अगर आप कहते हैं कि वो है तो फिर ये सवाल ज़रूर खुद से पूछें कि वो सबसे करीब कहाँ है, आपके कपड़े करीब हैं या अल्लाह करीब है। और अगर वो आप कहते हैं कि वो तो मेरे अंदर है तो फिर वो क्या है, खून है, गोश्त है, हड्डियाँ हैं, क्या है? एहसास है। मुर्दे को एहसास नहीं होता, जिंदा को होता है। एहसास है तो फिर वो पास है। और हर दम खौफ खुदा का मतलब एहसास खुदा में रहना ही आने इबादत है। हम कैमरों से डरते हैं। मैं लाल बत्ती का इशारे की मिसाल देता हूँ तो कि लाल बत्ती के ऊपर, रेड क्वेश्चन के ऊपर कैमरा लग गया तो सब रुक जाते हैं। अब तो ऐसे बगैरत भी आ गए हैं, कैमरे में वीडियो भी आ गई है, फिर नहीं शर्मा रहे। अल्लाह हमें इस इखलाकी पस्ती से भी बचाए, हम सबको तौबा की तौफीक दे, हम सबको शर्मिंदगी की तौफीक दे और हमें अपने नबी का सच्चा प्यार दे दे। हमारे दावे ना हों, हम उन जैसे हो जाएं। इश्के नबी वस्फे नबी होने का नाम है, इश्के अली वस्फे अली होने का नाम है। प्यार है बस, बस प्यार है। ईमान तो हमारी वो समझ हो ही नहीं सकती, हमारी तो ईमान उनके बराबर नहीं हो सकते, ना हमारी समझ ही आएगी, ना हम उस रब को जानते हैं जिस रब को वो जानते हैं। हमने मानने की बात करनी है और क्या मानते हैं और कितना मानते हैं ये हमारा देखा जाएगा। वो जो लाल बत्ती की मैं बात करता हूँ इशारे की, यार ये गुनाह की लाल बत्ती होती है ना और हम उसे क्रॉस कर जाते हैं और ये उसकी शान है कि वो फिर माफ़ कर देता है और बार बार करता है। अपने लिए, हम सब के लिए दिल से दुआ किया करें। प्यार ही दुआ है, बेगरज प्यार। अब बेगरजी से कोई एक अमल दिन में करके देखा करें जिसकी आप पीछे मुड़ के कभी खबर ना लिया करें कि इस पे मेरी वाह वाह हुई, थैंक यू हुआ या एक्नॉलेजमेंट हुई, या जिनका मैंने भला किया। कोई एक बार ऐसा काम कीजिएगा कि जिनका आप भला करें और वही आपको बाद में जूते मारें तो आप कैसा फील करेंगे? और आप आगे से बददुआ ना दें, आप फिर दुआ दें और फिर भला करें। ये है मेरे नबी का शेवा, बार बार है, नस्ल दर नस्ल है। लेकिन हम कर सकते हैं, रात को, दिन को, अपने घरों में जो आपके अंडर है ना, सिर्फ आपके मुलाजम नहीं, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, जो भी कमज़ोर आपके आपके नीचे हैं, उन्हें बेगर्जी से करके दे, बैठे ना दोस्त को नीचे बेगर्जी से करके देखो और पीछे मुड़ के ना देखो।
अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। कौन है?